नमस्कार दोस्तों, आरजे जी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले पोषक पदार्थ के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि मध्यकालीन भारत राजस्थान अध्ययन और करंट अफेयर के बारे में अगर आप डे टू डे जानना चाहते हो तो अन अकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, बेनिफिट उठाए। चलिए भाइयों, देखते क्या है पोषक पदार्थ। देखिए भाइयों, वे पदार्थ जो जीवों में भिन्न प्रकार के जैविक कार्यों, ठीक है भाइयों, भिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे जैविक कार्यों के संचालन यानी शुरू करने तथा ख़त्म करने के लिए आवश्यक होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाइयों? पोषक पदार्थ, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं भाइयों? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। आगे देखिए भाइयों, ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ। अब देखिए भाइयों, कार्बनिक पदार्थ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है देखते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अंदर क्या आएगा भाइयों? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है भाइयों, इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, यानी वे ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं हमें क्या करेगी? ऊर्जा प्रदान करेगी। अब देखिए भाइयों, खनिज पदार्थ, जल और ऑक्सीजन, ये किसमें आएंगे? अकार्बनिक के अंदर आएंगे। आगे चलते हैं भाइयों, देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जानते हैं, आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे, फिर बाकी जो अगला सेशन आने वाला है उसके अंदर हम किसको जानेंगे? वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे। ठीक है भाइयों, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या कह सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता? CHO, यानी किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है भाइयों, से मिलकर बना होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कैसा स्रोत है? प्रमुख या मुख्य स्रोत है। आगे चलते हैं भाइयों, देखो इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं कि जैसे चावल, गेहूं, आलू, गन्ना, चुकंदर आदि इसके प्रमुख स्रोत है भाइयों। कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। देखिए खाद्य पदार्थ में ये शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। जो हमारा खाना है जिसे हम खाते हैं और खाद्य पदार्थ जितने भी है, तो ये उसके अंदर किस रूप में पाया जाता है? शर्करा के रूप में, स्टार्च के रूप में और सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। चलिए भाइयों, अगला चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रकार कौन कौन से? देखो मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है और पॉलीसेकेराइड होता है। भाइयों वापस रिपीट कर देता हूँ, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। और एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं और ऐसा भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो भाइयों उसमें तीनों ऑप्शन दे रखे थे और चौथा ऑप्शन ऐसा था जो इनसे मिलता नहीं था। तो ठीक है भाइयों, तो आपको जैसा उचित लगे वैसे क्वेश्चन देखिएगा, इस पर और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। मोनोसेकेराइड के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे एक तो इसके एग्जांपल से क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें कौन कौन सा आते हैं भाइयों? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। कौन सा भाइयों? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यहाँ पे क्रक्टोज गलत लिखा हुआ है तो आप याद रखिएगा, फ्रक्टोज है ये, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। चलिए भाइयों आगे चलते हैं कि डी ग्लूकोज हमें सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। डी का अर्थ क्या हो जाएगा भाइयों? डेक्सट्रोज। कैसा? डेक्सट्रोज ग्लूकोज हमें सबसे अधिक ऊर्जा देता है, आपको पता भी है, आप पीते भी हो। अब देखिए भाइयों, फ्रक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है भाइयों? फ्रक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड के अंदर आता है और सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। चलिए भाइयों, ये क्वेश्चन एग्जाम के लायक है, बन सकता है। अब डाइसेकेराइड के अंदर क्या क्या है? डाइसेकेराइड के अंदर सुक्रोज है और कौन सा है भाइयों? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। कौन सा भाइयों? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब देखिए भाइयों, गाय के दूध में क्या पाया जाता है भाइयों? लैक्टोज पाया जाता है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। और देखिए भाइयों कि इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको पता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना भाइयों? दूध से संबंधित खाद्य सामग्री में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब आगे देखिए भाइयों, पॉलीसेकेराइड, पॉली यानी अनेक प्रकार, ये एज है, बहुलक के रूप में यूज लिया जाता है भाइयों। तो देखिए क्या है पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज इत्यादि।
अब देखिए ये सभी डी ग्लूकोज इकाई के बने होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पॉलीसेकेराइड की न्यूनतम इकाई या कह सकते बहुलक इकाई का नाम बताइए। तो आपको क्या आंसर देना है, डी ग्लूकोज इकाई के बने होते हैं। ठीक है भाइयों, ये मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, पॉली यानी अनेक हो जाता है इसलिए। आगे देखिए ग्लाइकोजन प्राणियों के शरीर में संचित पॉलीसेकेराइड है, जबकि स्टार्च पौधे में संचित पॉलीसेकेराइड है। भाइयों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बना और हाल ही में एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन आपका। क्या है देखिए, वापस पढ़ता हूँ मैं, ग्लाइकोजन जो होता है ना प्राणियों के शरीर में संचित पॉलीसेकेराइड है। तो क्वेश्चन ये बना था कि मनुष्य या जानवरों या जंतुओं के शरीर में कौन सा पॉलीसेकेराइड संचित होता है, तो आपको नाम देना है ग्लाइकोजन। और अगर पौधे के अंदर पूछ ले या वृक्ष के अंदर पूछ ले तो आपको नाम देना है स्टार्च। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। देखिए सेलुलोज पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। जब हम कोशिका वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सेलुलोज पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है भाइयों, और ये किसके अंदर पाया जाता है, पादप कोशिकाओं के अंदर ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है भाइयों, जबकि साइटिन कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अन्य तथ्यों के साथ और हमारा जो इसका शेष पार्ट रह गया है उसी के साथ।